टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। आज बुधवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्यव्यापी प्रदर्शन के दौरान बेगूसराय में छात्रों के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सिविल सर्जन के समक्ष प्रदर्शन किया गया। हाथों में अपनी मांगों से जुड़े तख्ती लिए छात्र सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर पहुंच गए और करीब एक घंटे तक प्रदर्शन किया। AISF के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमीन हमजा ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिहार सरकार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय भी अपनी जनता की उचित देखभाल करने में विफल रही है। अभी तक कोरोना जांच केंद्र जिला स्तर पर भी नहीं खोला जा सका है। उन्होंने मांग किया है कि प्रखंड स्तर पर कोरोना जांच केंद्र खोले जाएं एवं कोरोना के नाम पर भय एवं दहशत के माहौल खत्म कर अन्य बीमारी के मरीजों के इलाज की गारंटी की जाए। साथ ही अन्य गंभीर मरीजों को नहीं देखने वाले चिकित्सकों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। संगठन के जिला अध्यक्ष सजग सिंह एवं उपाध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में केरल से प्रेरित होकर पूरे देश में केरल की तरह स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए एवं स्वास्थ्य के केरल मॉडल पर देश भर में लागू किया जाए। अगर हमारे संगठन की मांगों पर सरकार त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो हम लोग आगामी दिनों में विधानसभा घेराव करेंगे। जिला सचिव मंडल अध्यक्ष अमरेश कुमार एवं नगर सचिव विवेक कुमार ने कहा कि घर घर जाकर कोरोना जांच कराया जाए, साथ ही प्रत्येक परिवार को सरकारी मद से अविलंब मास्क व साबुन वितरण किया जाए। आप जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर भीड़ उत्पन्न हुई और उस भीड़ के बाद लगातार उत्पन्न कोरोना के खतरे से निपटने के लिए हमारा संगठन ये मांग करने आया है कि जितने भी PHC हैं तमाम PHC में जांच केंद्र, कोरोना जांच केंद्र खोला जाए। यहाँ तक कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं तमाम प्राइवेट अस्पतालों में जांच किट उपलब्ध कराएं और उनको बोलें कि वो जांच किट उपलब्ध करा के वहाँ पर जांच की सुविधा मुहैया कराई जाए। जितना जांच होगा उतना कोरोना कम सकता है। केरल मॉडल के तर्ज मॉडल तर्ज को अपनाया जाए। केरल में जिस तरह कोरोना के मरीजों की कमी आई है और घर घर वहाँ पर कोरोना के मरीजों की जांच की गई है, उसी तरह बेगूसराय जिले में ही प्रखंड स्तर पर भी कोरोना जांच केंद्र हो और इस कोरोना काल में वैसे मरीज जो दूसरे बीमारियों से पीड़ित हैं उनकी दयनीय स्थिति है उनकी भी जांच की गारंटी होनी चाहिए। और जो भी हॉस्पिटल प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं खोले उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए।